दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, कोई भी टच वाला फोन भी नहीं है, आप एक सिंपल कीपैड मोबाइल यूज करते हैं, तो भी आप मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। क्या ये सब पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। और आपको इसके लिए किसी भी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक की जो आपकी ब्रांच है वो उसमें जाना है और अपना मोबाइल नंबर जो है अकाउंट के साथ में रजिस्टर करवाना है। दोस्तों जब आप अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आपने टाइप करना है यहाँ पर *99# और उसको डायल कर देना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका मैसेज आता है कि वेलकम टू भीम *99#। यहाँ पे आपने शुरू में क्या करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है या तो उसके आपके बैंक का नाम लिख दीजिए या आप IFSC कोड के जो शुरू के 4 शब्द होते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। जैसे मेरा खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है तो मैं यहाँ पे ORBC टाइप कर देता हूँ। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप SBIN टाइप कर सकते हैं और सेंड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने ATM कार्ड के जो लास्ट के 6 डिजिट हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं और एक सिंगल स्पेस के साथ में आपने ATM कार्ड की जो वैलिडिटी है वो आपने टाइप करनी है। जैसे अगर आपकी ATM कार्ड की वैलिडिटी 11वां महीना 2022 है तो आपने 11/22 यहाँ पे टाइप करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है कि आप अपने मर्जी का जो 6 डिजिट का UPI पिन जो है आप रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे रखना। जैसे ATM का पिन होता है 4 डिजिट का, उसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 11, 12 और 13 ये जो 6 डिजिट मैंने रखे और सेंड पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद इसी जो टाइप है 6 डिजिट को जो पिन है वो मैंने दोबारा से री एंटर यहाँ पे करना है और कन्फर्म कर देना है। जैसे ही मैं UPI पिन री एंटर करता हूँ हमारे सामने मैसेज से होता है कि योर UPI पिन इज सेट और आप जो है इस सर्विस का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों जब आप ये पूरी प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप *99# की जो फैसिलिटी है मोबाइल बैंकिंग की वो सुविधा आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ये आपको शुरू में ही करनी है। हर बार आपने ऐसा कुछ नहीं करना, एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, UPI पिन आपने रीसेट कर लिया तो आपने बार बार इस प्रोसेस को नहीं करना। अब आप सिंपली जो है *99# डायल करके आप अपने बैंक की कुछ फैसिलिटी जो यहाँ पे ज़रूरी ज़्यादा होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को पैसा भेजना है, आपने अपना बैलेंस चेक करना है, किसी से पैसा मंगवाना है या आपने जो अपनी ट्रांजेक्शन जो है देखनी है, अभी लास्ट मैंने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी है, मतलब स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 4 नंबर में माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपका जो यहाँ पे डिटेल जो है 3 नंबर में माई डिटेल्स, ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपका जो UPI ID है वो आपने लिख के रख लेनी है, क्योंकि UPI ID अगर कोई दोस्त आपको पैसा भेजता है, अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं देना चाहते उसको खाली UPI ID दे दोगे तो भी वो पैसे भेज सकता है। और इसके साथ में आपको पता लग रहा है कि आपका नाम जो है यहाँ पे क्या है अकाउंट में और कौन सा अकाउंट आपने सेट कर रखा है जो यहाँ पे 4 डिजिट आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मेरे को दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह से देखिए आप और भी इसके अंदर जो फैसिलिटी है मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। बाकी आप जो अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बेफिक्र होकर पूछिए, मैं आपकी हर तरह से इसमें हेल्प करूँगा। देखिए दोस्तों अगर आप पैसा सेंड करना चाहते हैं किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, तो मोबाइल नंबर पहला ऑप्शन दिया है। मोबाइल नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपना मोबाइल नंबर इस मोबाइल बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भी यूज़ कर रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मोबाइल नंबर नीचे टाइप करके, 1 नंबर टाइप करके आप मोबाइल नंबर से भी सीधा पैसा भेज सकते हैं। इसकी मैं आपको बता देता हूँ इसकी लिमिट जो है अभी फिलहाल 5,000 मैक्सिमम इसकी लिमिट, आप 5,000 रुपये तक आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और 5 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अगर किसी आपको दोस्त का रिश्तेदार का IFSC कोड और बैंक अकाउंट अगर उसका पता है तो आप पहले IFSC कोड टाइप करेंगे और उसके बाद बैंक अकाउंट टाइप करेंगे और इस तरह से आप जो है पैसा भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अब और इसके कुछ जो ज़रूरी जो फंक्शन है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो एक ऑप्शन आता है 3 नंबर चेक बैलेंस का, आपको जल्दी से आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो आप यहाँ पे देखिए कि इस अकाउंट का आपने बैलेंस चेक करना है तो आपने जो पिन रखा था अपनी मर्जी का जो पिन आपने यहाँ पे रखा था वो आप जो है इसमें टाइप करना है और जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके अकाउंट का जो है बैलेंस यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है फैसिलिटी, आप हम बैंक इसलिए जाते हैं ज़्यादातर कि या हमें अपना बैलेंस पता करना है, किसी ने पैसे भेजने हैं थे या हमारे जो है कोई चेक लगा हुआ था हमें पता करना है, या आपने बैंक में जाना होता है किसी को छोटी मोटी अमाउंट भेजने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है *99# डायल करके आप सिंपली अपने मोबाइल के अंदर ही सब कुछ जो है फैसिलिटी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है 7 नंबर ऑप्शन जो है आपके लिए
काम का है, क्योंकि कई बार अगर आपको आप अपना UPI पिन भूल जाते हैं या आप अपना नया पिन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। दो नंबर में ऐसा है कि आप किसी को आपने शेयर कर दिया है अपना पिन, तो आप अब जो है चेंज करना चाहते हैं, तो ये दो नंबर ऑप्शन आप चूज करके भी आप कर सकते हैं। 00 का मतलब है मैं बैक उसी पेज पे यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो अब एक बात और है कि दो नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वेस्ट मनी का, ये कैसे काम करता है दोस्तों? आप वही बात कि रिक्वेस्ट किसी, जैसे मेरा दोस्त है संजय नाम का दोस्त है और वो ये फैसिलिटी यूज करता है मोबाइल बैंकिंग की जो USSD बेस्ड है, तो उसका मोबाइल नंबर अगर डाल के मैं उसको सेंड कर दूंगा तो उसके पास मैसेज जाएगा कि ये जो है हर्षित कुमार जो है ये आपसे 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये जो है ये लेना चाहता है, तो आप अगर देना चाहते हैं तो आप इसको भेज दीजिए, तो वो जो है डायरेक्टली यहाँ पे भेज देगा। अब इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में ऐसा टाइम नहीं होता या इमरजेंसी में फंस गए हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप सिंपली रिक्वेस्ट करके भी उससे पैसा मांग सकते हैं। तो ये इस तरह की जो है बेहतरीन सुविधा जो है यहाँ पे USSD बेस में आपके सिंपल मोबाइल फ़ोन के अंदर फैसिलिटी जो है बैंकों ने दी है। दोस्तों एक बात और बता दूँ, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज आया कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड MMI कोड, इसमें इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों होता क्या है कि इस USSD कोड को, जैसे इसकी एक टाइम लिमिट है, जैसे 1 मिनट तक का इसमें टाइम है, आपने जो काम अगर करना है इसमें अगर आपने ज़्यादा गैप दे दिया बीच में तो आपकी जो है ये मैसेज शो कर देगा, तो आप दोबारा से बाहर आके *99# दोबारा डायल करके भी इसको दोबारा जो प्रोसेस में कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़े समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप दो चार बार जब इसको यूज़ करोगे तो आपको सिंपली आप हर ऑप्शन याद हो जाएंगे कि हाँ यार आपने ये क्लिक करना है, 2 नंबर 7 नंबर 5 नंबर जो भी आपने सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों एक मैं आपको इसमें ये बता दूँ कि अभी फिलहाल सभी मोबाइल नेटवर्क जो GSM के जो है उन पे ये सर्विस प्रोवाइडर पे ये सुविधा अवेलेबल है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, इन सभी पे अवेलेबल है, लेकिन जो जियो की जो GSM जो सिम है इस पे ये USSD अभी वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल। तो आप जो है जो जियो सिम के जो सभी यूज़र हैं वो शायद इससे थोड़ा नाखुश रहेंगे क्योंकि वो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अगर दूसरी कोई सिम है तो आप वो अकाउंट के साथ में रजिस्टर करवा के इस फैसिलिटी का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हम टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से जुड़ी हुई ही वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, छानबीन करके, पूरी तरह से हम खुद पहले लर्न करते हैं फिर जो है अपलोड करते हैं, ताकि जो आपका नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ता रहे। तो दोस्तों अगर आपको इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी जो है क्वेश्चन का जवाब जो है, हम आपकी प्रॉब्लम को जो है पूरी तरह से रिजोल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।